तो अब हम सवाल करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन का। तो हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, ये 30.35 कोड से ली हुई है और बिजनेस का नाम है जेड वर्गा। तो ये हमारे पास देखेंगे दी हुई हमें कैश बुक और ये हमें दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट। ये कैश बुक कौन बनाता है? ये कैश बुक बनाता है बिजनेस। और ये कौन बनाता है? ये बनाता है बैंक। अब बैंक वाला ये कह रहा है कि हमारे अकाउंट में कौन सा मंथ है? ये दिसंबर का मंथ है, 2016। और देखिए ये भी कैश बुक भी देखें इसी पीरियड की बनी हुई है, 2016 दिसंबर की। और बैंक स्टेटमेंट भी इसी पीरियड का बना हुआ है, दिसंबर 2016 का। अब देखें हम ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में दिसंबर के एंड में है 4202। बैंक वाला बोल रहा है नहीं भाई, आपके अकाउंट में है 3950। देखिए ये फर्क, ये देखिए ये और ये, इसको मगर ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, तो ए बराबर नहीं है बी के। आपको जैसा कि याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन हम क्यों बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि बैलेंस कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का ये बराबर नहीं होता। तो देखिए ये बराबर नहीं है। देखिए मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, हम ऊपर चलते हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं और प्रीवियस क्लास यानी कि जो लास्ट वीडियो थी इसको अगर हम रिकॉल करते हैं, तो ये देखें मैंने बनाया था कि कैश बुक कौन बनाता है? हम बनाते हैं। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? ये बनाता है बिजनेस। तो ये देखें दोनों बराबर नहीं है। देखिए 100 बराबर नहीं था उस एग्जाम्पल में, 80 है, तो इसीलिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। तो देखिए यहाँ पर भी यही सीन हो रहा है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमको नज़र आता है कि ये आपका बैलेंस सीडी है यानी कि जो कैश बुक का बैलेंस है, और जो बैंक स्टेटमेंट ये देखिए लिखा हुआ बैंक स्टेटमेंट, ये बी और ये ए जो है ये दोनों बराबर नहीं है। फिर मैंने आपको कहा था कि आप हम इसको सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप क्या था? ये देखिए पहला स्टेप ये लिखा हुआ मैंने, अगर आप रिकॉल करें पिछली वीडियो में, देखिए पहला स्टेप मैंने कहा था मैच करते हैं। मैच किस किस को करते हैं? बैंक स्टेटमेंट को मैच करते हैं। किससे? कैश बुक से। तो अभी हम वही अपना पहला फेस अप्लाई करने वाले हैं इसी एग्जाम्पल के ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर, जेड वर्ग वाले क्वेश्चन पर। ये मैंने फ्रैंक गुड से लिया है एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 30.3। अब मैच करने का उसूल ये है कि देखें ये है डेबिट साइड कैश बुक की और ये है क्रेडिट साइड, और बैंक की डेबिट साइड ये रही और क्रेडिट साइड ये रही। आप एक बार याद रखिएगा कि कैश बुक का जो डेबिट होगा, कैश बुक का जो डेबिट होगा वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होगा। क्या मतलब? देखिए कैश बुक में जब पैसा आता है ना तो ये इनफ्लो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और आउटफ्लो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। बैंक उल्टा है, बैंक में जब पैसा आता है तो बैंक करता है क्रेडिट, यानी कि ये इनफ्लो है, पैसा आ रहा है और ये पैसा जा रहा है, माइनस हो रहा है पैसा, ये पैसा आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो पैसा हम बैंक में रखवाते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक हमें करता है क्रेडिट, और जब हमारे अकाउंट से पैसा जाता है तो बैंक हमें क्या करता है? डेबिट। और हमारे बिजनेस के अंदर बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो लिहाजा जब हम बैंक में पैसा डालते हैं तो हमारा एसेट क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए हम इनफ्लोस को डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं और आउटफ्लोस को क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यानी कि हम हमारे कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट कॉलम है, इसको हम मैच करेंगे बैंक के क्रेडिट कॉलम से, और कैश बुक का जो क्रेडिट कॉलम है उसको हम बैंक के डेबिट कॉलम से मैच करेंगे। और देखेंगे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रीज़न बन रही हैं इन दोनों बैलेंसेस का बैलेंस ना होने का। तो शुरू करते हैं। अभी देखें इस 7 को जी वाइट के पैसे आए 220। 220 यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे अकाउंट में 220 आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है।
ये हमारे हिसाब से 94 हमारे अकाउंट में और आया। बैंक वाला बोल रहे हाँ 94 और आ गया। इसके बाद ये बैलेंस 346 और 288 ये दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही, तो ये मैच नहीं हो रही। यानी कि ये वो चीज़ है जो कि थिंग्स रिकॉर्डेड बाय बिजनेस, ये वो चीज़ है थिंग्स रिकॉर्डेड बाय बिजनेस बट नॉट बाय बैंक। और देखिए यहाँ पर ये चीज़ 186 यहाँ पर आ रही है, ये वो आइटम है जो थिंग्स रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द बिजनेस। अब यही प्रोसेस हम क्रेडिट साइड पे करते हो, तो ये देखिए हमारे पास से चला गया 648 हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। बैंक वाला बोल रहे हाँ 648 चला गया। फिर हमने कहा 32 भी चला गया हमारे हिसाब से, बैंक वाले ने कहा हाँ ये भी चला गया 32। फिर 64 बैंक वाला कह रहा चला गया, हम कह रहे हैं हमारे पास से तो नहीं गया। इस तरीके से 266 हम कह रहे हैं हमारे पास से चला गया, बैंक वाला कह रहा है ठीक है। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पर ऐसी चीज़ें थी कि कुछ चीज़ें कैशबुक में ऐसी मौजूद थी जो कि कैशबुक में थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बैंक स्टेटमेंट में थी और कैशबुक में नहीं थी। तो ये हो गया पहला फेस। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि दो वजह होती हैं दो बैलेंस आउट होने की, दोनों बैलेंस ना मैच ना होने की, वो वजह क्या थी? वो ये दो रीज़न थे। देखो ये रीज़न थिंग्स रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस बट नॉट बाय द बैंक, दूसरा है थिंग्स रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द बिजनेस। अब हम आएंगे स्टेप नंबर टू पे। स्टेप टू क्या है हमारा? स्टेप टू है हमारा अप टू डेट कैशबुक बनानी है हमें। तो अब हम अप टू डेट कैशबुक बनाएंगे इसी क्वेश्चन की। ये मैंने बनाई अप टू डेट कैशबुक। अप टू डेट कैशबुक में हमें सबसे पहले लिखना होता है बैलेंस बीडी, और ये बैलेंस बीडी हम कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं? कैशबुक से रिकॉर्ड करते हैं। ये देखें ये वाला, ये बैलेंस सीडी जो है ना कैशबुक का, ये हमारे अप टू डेट का बैलेंस बीडी बन जाएगा 4202। अगर ये बैलेंस सीडी यहाँ पर आ रहा होता क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर आ रहा होता, तो ये बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बनना था हमारे क्रेडिट साइड पर। तो अभी यहाँ लिखेंगे बैलेंस बी डी, यहाँ पे क्यों लिखा है इसलिए लिखा है कि बैलेंस सी डी अभी हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है। देखिए क्रेडिट साइड है ये, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना अमाउंट है? ये 4202 ये लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद हम अप टू डेट कैशबुक में कौन सी चीजें लिखते हैं? ये मैंने बताया था रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय बिजनेस। तो देखिए ये दो चीज़ है, ये 186 है और 64 है, ये दो चीज़ ऐसी है जो कि बैंक ने रिकॉर्ड कर ली लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। तो ये क्रेडिट पे आ रहा है यहाँ पे डेबिट पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था उल्टा होता हमारा हिसाब बैंक से उल्टा होता, बैंक का क्रेडिट मतलब हमारा डेबिट। इसका नाम क्या है? ये है क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट। वहाँ पर ये 64 इधर आ जाएगा, उसका नाम क्या है? बैंक चार्जेस। तो उस तरीके से हमने ये दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली जो कि बैंक ने रिकॉर्ड करी हुई थी और हमने रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी। अच्छा अगर आप गौर करें फॉर्मेट जो मैंने पिछली क्लास में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने ये देखें वीडियो में भी देखें, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांसफर और एक लिखा हुआ बैंक चार्जेस। तो देखें अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अप टू डेट कैशबुक में, देखें ये क्रेडिट ट्रांसफर यहाँ पर आ रहा है और ये बैंक चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम क्या कर लेंगे? अब हम टोटल कर लेंगे। तो हैवी साइड कौन सी है? ये डेबिट साइड वाली हैवी, इसको हम टोटल कर लेंगे। तो ये 6 + 2 ये हो गया 8, फिर 0 + 8 ये हो गया 8, फिर 2 + 1 हो गया 3 और 4 आपका ऐसे ही आ गया। तो जितना टोटल यहाँ पर है उतना हमने यहाँ पर लिख दिया 4388। अब हम इसमें से उसको माइनस कराएंगे, यानी कि 4388 में से 64 को माइनस कराएंगे। तो ये माइनस करा देता हूँ मैं 4388 माइनस 64,
तो ये आपका आ गया 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 6 2, ये 4 और ये 3, तो ये आपका बैलेंस सी डी हो गया 4 3 2 4, और सी डी को हम यहाँ बैलेंस बी डी बना देंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी अप टू डेट कैश बुक बना ली, और ये हमारा स्टेप टू था, ये हमारा स्टेप टू है, और ये जो हमने मैचिंग वगैरह करी थी ये हमारा स्टेप वन था हमारी प्रीवियस वीडियो के हिसाब से। अब हम करेंगे स्टेप थ्री, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप स्टेप थ्री, ताकि सिस्टमेटिकली आप दिमाग में अरेंज कर लेंगे ये हम किस स्टेज पर है, अभी कितने स्टेप पर है। स्टेप थ्री में हमें बनाना होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने बना ली। सबसे पहले मुझे लिखना होता है बैलेंस एस पर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं साइन बना लूँगा डॉलर का। अब ये बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आएगा, ये बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस होगा, यहाँ से आएगा बैंक स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस। और देखो ये रहा, ये रहा, ये है एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस क्यों, क्योंकि देखेंगे लास्ट डेट का बैलेंस चाहिए, इसके सामने का बैलेंस चाहिए, ये रहा 3950, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3950। फिर फॉर्मेट के हिसाब से हमें लिखना होता है एड अनक्रेडिटेड, फिर लिखना होता है हमें लेस अनप्रेजेंटेड, और फिर आंसर आता है इसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस एज पर अप टू डेट कैश बुक। तो अनक्रेडिटेड कहाँ पर है, अनक्रेडिटेड हमारे पास ये रहा, ये जो दो चीज़ें हैं ये जो मैच नहीं हुई ये क्या है अनक्रेडिटेड, और जो क्रेडिट साइड पर जो मैच नहीं हो रहा था ये चीज 266 ये है अनप्रेजेंटेड। तो अनक्रेडिटेड हमारे पास दो है 346 और 288, 346 प्लस 288, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, चूंकि दो है 346, 288, तो ये 8 और 6 हो गया 14, 5, 5 प्लस 8 कितना हो गया, 5 प्लस 8 हो गया आपका 30, यहाँ पे आ गई 4, 4 प्लस 2 60 हो गया 634, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड की एक ही अमाउंट है हमारे पास और वो कितनी है 266, तो ये लेस हो जाएगा यहाँ पर 266। फिर आप इसको आप इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर इसमें से माइनस करा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। और ये मैंने कैलकुलेट करा हुआ कैलकुलेटर में, आप अपने कैलकुलेटर में कर लें, ये आ जाएगा 4324। अब देखेंगे प्लस में आ रहा है, और मैंने बताया था ये सी है, सी अगर प्लस में आ रहा है तो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी के, ये देख सी इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये पॉलिटिव आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अगर किसी को कोई क्यूरी पूछनी हो तो बिल्कुल मुझे एनी टाइम वो कॉमेंट कर दे, तो मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दूंगा।